हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस मात्र मैं आज दूध में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी और जो मिठाई बन के आएगी ना बिल्कुल ज़बरदस्त लाजवाब मिठाई बन के आएगी इतना टेस्टी ये मिठाई बनता है और गाइस अगर ये मार्केट में आप लेने जाए ना तो महंगे से महंगे मिठाइयों में से ये घिना जाता है तो चलिए बिना देर कि स्टार्ट करते हैं इसे बनाना तो इसके लिए मैं ले ली हूँ कढ़ाई कोई भी आप कढ़ाई ले लें थोड़े मोटे तली का ले तो ज़्यादा बेहतर है इस कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ एक लीटर दूध जो भी दूध आपके घर पे आता है वही दूध है ये नॉर्मल दूध यहाँ पे मैं एक लीटर दूध ऐड कर दी हूँ इसे हमें तीन चार मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है और उसके बाद इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे वीडियो ज़रूर पसंद आएगी मिठाई बहुत लाभ है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें तो देखिए अब यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ही जी हाँ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा आता है ना बस वही एक पिंक चुटकी भर बस उससे ज्यादा हमें नहीं डालना है बस यहाँ पे डाल दी हूँ गैस का फ्लेम हाई है और इसे मैं स्टर करते रहूंगी इसे हमें यू ही चलाते रहना है दूध को गाइस यकीन मानिए यह मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और कोई भी ताम झाम बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी हम नहीं मिलाने वाले हैं बहुत सिंपल मिठाई ये बनती है और खाने में तो बिल्कुल लाजवाब होती है तो इस तरह से आप साइड साइड से भी इसे खरोच के और अच्छी तरह से मिक्स करते रहें अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो ये मिठाई आप बना के ट्राई कर सकते हैं ईद भी आ रही है उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं और प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपकी मिठाई कैसी बनी तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये रिड्यूस हो रही है काफ़ी अच्छे से रिड्यूस हो रही है ये तो इसी तरह हमें स्टर करते रहना है अगर हम स्टर नहीं करेंगे तो ये तली में लग जाएगी तो हमें स्टर करते रहना है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आ जाता है बिल्कुल हम इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर नहीं मिला रहे हैं कोई भी हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर नहीं मिलाया कंडेंस मिल्क नहीं बनाया कुछ भी नहीं हमने यहाँ पे मिलाया है गाइस ये देखिए ये काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है और गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने यहाँ पे चीनी नहीं ऐड किया है तो इसे अच्छी तरह से आप मिक्स करते रहें और देखिए ये काफी हद तक रिड्यूस हो गया है तो यहाँ पे आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें क्योंकि ये छीटे उड़ते हैं ना तो उसे आपको लग सकती है अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगी चीनी चीनी मैं वन थर्ड कप ही डाली हूं क्योंकि ये जब दूध रिड्यूस हुई है ना तो काफी मीठापन आ जाता है उसके अंदर तो हम बहुत ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करेंगे बिल्कुल नॉर्मल मीठा लगेगा ये अगर आप वन थर्ड कप इसमें ऐड करते हैं बहुत ही मिठास जो होती है ना बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होगी ये तो ये देखिए वापस से ये लिक्विड फॉर्म में हो गया क्योंकि चीनी मेल्ट की है वापस इसे हम स्टर करेंगे थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छे से स्टर करते करते ये कढ़ाई को पैन को छोड़ने लग जाएगी हमने कोई भी घी कुछ भी नहीं डाला है हमने इसमें आप देख लीजिए और ये बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ रही है पैन को छोड़ रही है तो ये बिल्कुल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है ये आपको दिख रहा होगा ये कढ़ाई से छोड़ रही है ना तो अब गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे तो ये हमारी बनकर रेडी हो गई है अब इसे हमने करना है सेट तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ इस तरह का इसमें मैं सेट करूँगी आप कोई सा भी प्लेट ले सकते हैं कोई सा भी बर्तन यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे अच्छी तरह से इसने करना है ग्रीस ग्रीस करके फिर ही आप इस प्लेट में यहाँ पे अच्छी तरह से मटेरियल को स्प्रेड कर दें इसे चिकना कर दें अब इसे पंद्रह से बीस मिनट के लिए आप यूं ही रहने दें सेट होने के लिए अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं दस से पंद्रह मिनट में ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है अब यहाँ पे मैं इस तरह का ढक्कन ले ली हूँ आपके पास कुकी कटर है तो उससे भी कर सकते हैं नई है तो आप इसे ढक्कन से भी कट कर, कर सकते हैं या तो आप स्क्वायर शेप में भी कट कर, कर सकते हैं तो देखिए मैं इसे सर्कल शेप में कट कर, कर ली हूँ और इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए मैं एक चीज़ और करने वाली हूँ तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं ले ली हूँ थोड़ा सा केसर का थ्रेड और उसे दूध में डाल दी थी अब इस ब्रश की सहायता से मैं हाफ पार्ट को केसर से कर तो ये देखिए ये केसर का कलर बहुत प्यारा आया है हाफ पार्ट में मैं इसको केसर से कर दी हूँ आप चाहें तो कोई फूड कलर से भी कर सकते हैं ना चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं ये मिठाई ज़बरदस्त लगती है और ये मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलती है गाइस तो देखिए इस तरह से ये मिठाई बिल्कुल बन के रेडी हो गई है तो आप इसे अपने परिवार वालों को खिलाएं खुद भी खाएं बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनती है और गाइस अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक तो कर दें मेरे इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इससे मुझे बस मोटिवेशन मिलता है मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी ये मिठाई बहुत ज़बरदस्त बनती है गाइस आपसे बस मैं यही बोलूँगी कि एक बार इस मिठाई को आप ज़रूर ट्राई करें ज़रूर ट्राई करें बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी ताम झाम नहीं है बहुत सिंपल मिठाई है ये और खाने में लगती है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थैंक यू